नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ अपनी उड़द की बड़ी की मसालेदार सब्जी, चटपटी सब्जी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे जिसके भी साथ खाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए कैसे बनाना है देख लेते हैं। बड़ी की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ देखिए 10 से 15 उड़द की बड़ी ले ली है और साथ ही यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है और 3 बड़े साइज के टमाटर जिसे लंबाइयों में काटा है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है लंबाइयों में काटकर और ढेर सारी हरी धनिया ली है। इस सब्जी में आप हरी धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करें और मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला में मैंने ये 1 छोटी चम्मच धनिया ली है और 1 चम्मच जीरा, साथ ही 1 इंच अदरक और ये 8 से 10 काली मिर्च और 5 से 7 लहसुन की कलियां, इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने मसाला को पीस लिया है, देखिए इस तरह इसे चिकना ही पीसें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारी गरम हो चुकी है, अब हम लोग इसमें अपना बड़ी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम में ही रखें और लगातार इसे उलट पलट करते रहें, वरना बड़ी हमारी बहुत जल्दी जल जाती है। देखिए एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और एक साइड से कच्ची, तो इसी तरह उलट पलट करते हुए इसे भूनेंगे। बड़ी हमारी भून गई है, अब इसे छानकर निकाल लेंगे। आप इससे ज़्यादा बड़ी को ना भूनें, वरना बड़ी हमारी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी कच्ची रहने पर ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब सेम कढ़ाई में ही और 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें 1/2 चम्मच सरसों डाल देंगे और सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। सरसों के चटकते ही इसमें अपना कटा हुआ हरा मिर्च और प्याज डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम में रख लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। अब गैस का फ्लेम लो में रख लेंगे और इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। मसाला को डालने के बाद इसमें अब हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें 1/4 चम्मच ही हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ ही 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिलाकर 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें अब अपना कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे, साथ ही नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें एक ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम मीडियम में रख के तब तक पकाएंगे जब तक हमारी टमाटर पूरी तरह गल नहीं जाती। आप ढक्कन लगा के ही इसे पकाएं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर हमारी पूरी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे चला लेंगे और टमाटर को इस तरह दबाते हुए मैश कर लेंगे। टमाटर हमारी पूरी तरह मेस हो गई है। अब इसी समय अपना भुना हुआ बड़ी डाल देंगे, साथ ही बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें अब 1 कटोरी के करीब पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी आप ना डालें, इसमें एक इस कटोरी से मैं 1 कटोरी ही पानी डाल रही हूँ। इसी तरह 1 कटोरी ही पानी डालें, ज़्यादा पानी डालेंगे ये ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती है, सूखी सूखी ही अच्छी लगती है, इसलिए 1 कटोरी पानी का ही इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखेंगे। मेरी सब्जी में उबाल आ गई है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही इसे ठीक रखेंगे तभी ये सब्जी स्वादिष्ट लगेगी। इससे अगर आप पतली रखेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी और ये ठंडी होने के बाद और ठीक हो जाती है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। उड़द की बड़ी की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी चावल जिसके साथ भी पसंद करते हैं खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट रहती है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।